बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो आए और भी लोगों से बातें करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जूबिया। खदीजा अली। आयशा अली। मैं कौन से क्लास में हो? 2, 3। आप क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ। किस चीज़ की? इनफर्टिलिटी की। ओके जी, आज मॉल में कैसे आना? आज हम वो सेल लगी थी उसके लिए आए थे। ओके, तीनों में से सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? शरारती ये है, इंटेलिजेंट ये है। क्या कितने परसेंट मार्क्स आ जाते हैं? पहले तो 98-99 तक करती थी, अब क्योंकि क्लास इसकी 6 हो गई है तो अब ये कि अब 94-95 तक गेन करती। माशाल्लाह। आपने मुझे कौन सी क्लास बताई? 3। गलती से बताई। ओके, तो ये उम्र क्या है इसकी? शी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड। 11 ईयर ओल्ड, माशाल्लाह। यानी कि जल्दी चली गई 6 में। ये 2.5 साल की थी तो मैंने इसको एडमिशन करवा दिया। वेरी नाइस, माशाल्लाह। ओके जी, और एक्टिव कौन है ज़्यादा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कौन ज़्यादा है? वो भी यही है। वेरी नाइस बेटा। चले जी, आपसे क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताएं, वो कौन सा जानदार है जो घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ भागता है? लेपर्ड। लेपर्ड। परिंदा। परिंदा। बर्ड। वो ईगल। आप भागते हो। चलो फिर आप भागना, मैं आपको पकड़ूंगी, ठीक है? क्या सुनाएंगे? नात। मैं तो उम्मती हूँ ए शाहे उम्म, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो कर दे मेरे आका अब नजरे करम। गम के अंधेरों ने यूं घेरा हुआ है, आका दुश्वार अब जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। जज़ाकल। इंशाल्लाह। वेरी नाइस। आपने क्या सुना? बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल? यस सर 3 bags फुल, 1 for my master, 1 for his dame, 1 for the little boy, 1 for his dame. और आपने क्या सुनाना है? सुना दो। मैं बैग में पर वैसे सुना दो। आप क्या शेयर करेंगे? मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी चिकन टिक्का की। उसके लिए जस्ट ये कि आप चिकन को धो लें और उसको सिंपल आपने नमक मिर्च और थोड़ा सा दही और लहसुन अदरक का मसाला लगा देना है और फिर उसको थोड़ी देर के लिए मतलब 2 घंटे के लिए पड़ा रहने दें और उसके बाद उसको हल्की आंच के ऊपर इतना गला लें कि बस वो पता चले कि आप इजीली खा सकते हैं। फिर उसके अंदर एंड पे आपने जस्ट ज़ीरा और जो साबुत धनिया होता है उसको तवे के ऊपर रोस्ट करना है और उसको थोड़ा सा मैश करके उसके अंदर ऐड कर देना और ये रेडी है आपके खाने के लिए। और ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू। जी बहुत प्यारी फैमिली थी, बड़ा मज़ा आया, हमने इनसे बात की। और वो क्या है ना कि इनकी मैं जो मज़े की बात बताऊँ वो ये थी कि उन्होंने बताया कि जो ये बच्ची है वो 98% मार्क्स लेती है और इसके अलावा वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इसके अलावा माशाल्लाह वो उसने जैसे तलावत सुनाई, सॉरी नात सुनाई, वो इस्लामी लिहाज से भी आगे है। तो आई थिंक ये बच्ची तो वो कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह इंटेलिजेंट है। ओके, जब मैं कभी पूछती हूँ कि इनमें से लायक कौन है तो लायक का मकसद कहीं ये नहीं है कि ज़हीन ज़्यादा कौन है, कि वही बच्चा ज़हीन है जो पढ़ाई में ज़्यादा नंबर ले रहा है। नो, बच्चा जो
कार्ड्स के साथ घर बना रहा है, वो बच्चा भी जहीन है कि वो कार्ड्स के साथ कैसे घर बना रहा है। वो बच्चा जिसको पूरा सॉन्ग याद हो रहा है, वो भी जहीन है कि उसका दिमाग इतना तेज़ चलता है कि उसने पूरा सॉन्ग याद कर लिया है। तो जहीन का मकसद कहीं स्पेसिफिक एग्ज़ाम से उसका ताल्लुक नहीं है। सो जब मैं नेक्स्ट टाइम पूछूँ तो उसी को ज़हन में रखते हुए जवाब दें। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल वदूद चौधरी। क्या करते हैं आप? जिमीदार, किन्नों का बाग है, आम का बाग है, तो बटेक्शन से बिलोंग करते हैं, इधर सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आए हैं। वेरी नाइस। तो जो आपका बाग है तो आप लोग सेल भी करते होंगे? जी माशाल्लाह, बिल्कुल। गुड, वेरी नाइस। चले जी, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? मैं टोटका बताऊंगी। जी पहले मैं सवाल करूंगी। जी जी, मुझे बताएं वो कौन सा परिंदा है जो अपनी गर्दन पीछे मोड़े बगैर पीछे देख सकता है? सॉरी, कोई बात नहीं, क्या शेयर करेंगे? जी क्या शेयर करें? मैं एक टोटका बताऊंगा मर्द खवातीनों हजरात के लिए। वो ये है कि जो लोग महंगी महंगी क्रीमें और लोशन इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए मेरा मशवरा है कि सिर्फ जो है जिनकी एड़ियां फटती हैं वो सिर्फ सरसों का तेल 2 दिन लगाएं एड़ियों के एड़ियों पर, एड़ियां नरम और मुलायम हो जाएंगी, कोई महंगी क्रीम लगाने की नहीं पड़ेगी और ना कोई महंगा लोशन, इनसे इंशाल्लाह बिल्कुल 2 दिन में ठीक हो जाएगा और इससे सस्ता और कोई नुस्खा नहीं है। तो तेल में और कुछ डालना? नहीं कुछ नहीं, गरम करके लगाना? नहीं, वैसे ही सादा उंगली के साथ वैसे ही लगा लेना और 2 दिन में जो क्रीम आपको 1 महीना भी काम नहीं देती, ये इंशाल्लाह 2 दिन में आपको पता चला। तो जो दर्द है लोग कहते सब कुछ वो मुलायम कर देगी, दर्द भी खत्म कर देगी और जो फटती हैं वो भी खत्म। आपको किसने बताया था इसका? ये मेरा आजमूदा नुस्खा है। और सोचा था? ये नहीं, ये मैंने बहुत लोगों को दिया और बहुत लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया। जिन लोगों ने महंगी महंगी क्रीमें इस्तेमाल की, जिनको नहीं पका हुआ तो उन्होंने ये इस्तेमाल किया और वो बहुत मेरे शुक्रगुजार हुए। जबरदस्त जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम जी। ये जिम्मेदार थे, किन्नुओं के बाग थे इनके। और मजे की बात ये है कि इन्होंने बताया है पाँव के दर्द के लिए कि जिन लोगों की एड़ियों में दर्द होता है वो लोग, और जो फटी हुई हैं क्रैक्स एड़ियां हैं, अगर वो सरसों का तेल लगाएं तो उससे वो ठीक हो जाएंगी। वेल, हमारा काम है जी, आप जो कहना चाहते हैं वो हम आपको मौका फ्राहम करें। भाई मैं इसमें कहूँ, हम कोई नहीं, ये मौका सिर्फ और सिर्फ आपको लाहौर न्यूज़ ने सबसे पहले दिया। और अब लाहौर न्यूज़ को देख के बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा काम था तो हर एक ने करना शुरू कर दिया है। अब लाहौर न्यूज़ को देख के बहुत सारे लोगों ने आपको ये मौका देना शुरू कर दिया, मगर हमेशा की तरह लाहौर न्यूज़ ही सबसे आ गया और इसने ये जो आज आपको मौका दिया ये बड़ा ज़बरदस्त है। एड़ियों का हल, जोड़ों का दर्द, अच्छी रेसिपी, अच्छा टैलेंट, सब कुछ जो है वो आप देख लेते हैं इस प्रोग्राम में। तो और भी आपको मजे की चीज़ें दिखाते हैं, लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फातिमा काशिफ। रबील अहमद। अब्दुल रफी। आलिया अहमद। कौन सी क्लास में आप? पेब्लू वन गोल्डन। आप क्या करती हैं? होम वाइफ। ओके, हाउस वाइफ। चले जी, नहीं इट्स ओके, सॉरी वाली कोई बात नहीं, होम और हाउस सेम होता है। आज बाहर कैसे आना हुआ? बच्चों की शॉपिंग के लिए। क्या लेने आई हैं बच्चों का? बच्चों के कपड़े और शूज वगैरह। कपड़े और शूज, तीनों में सबसे शरारती कौन है? तीनों शरारती हैं बस। और लाइक कौन है? लाइक कौन है? तीनों ही लाइक है। ये तो नहीं ना, एक बताएं जो ज्यादा जहीन। मदर को तो तीनों ही ज्यादा जहीन कौन है? ये लाइक शेड करना चाहिए, लाइक वैसे कहने जहीन अब्दुल रफी। माशाल्लाह। चले जी, मुझे बताएं इसकी क्या उम्र है? इसकी 3 इयर्स। 3 इयर्स। बेटी नहीं है? ये बेटी है। ये बेटी है माशाल्लाह। माशाल्लाह, भाइयों जैसी लग रही है। इसके साथ ही खेलती होगी ना? हाँ, के साथ खेलती है। बॉय दोनों बेटे हैं ना, तो इस वजह से वो भी उनमें बेटा ही लगना शुरू होगी। चले जी, ओके। पर एडवांटेज होता होगा जब वो ये मारती होगी, जब वो मारते होंगे तो कहेंगे बहन है ना, मारो बहन है। चलो मुझे बता दें कि वो कौन सा जानदार है जो अपनी दुनिया का सबसे छोटा शहर कौन सा है, जो सबसे छोटे मुल्क में भी है? सबसे छोटे मुल्क में भी है? दुनिया का सबसे छोटा शहर कराची। कराची दुनिया का सबसे छोटा शहर है? क्या किया जाए आपके साथ? क्या सुनाना है? आप सुनाओ। हम तो पोइम्स ही करके आए थे, अब आपने कहा। माय नेम इज वाइट पकड़ो। माय नेम इज अब्दुल रफी। आई लर्न पोइम
Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling a lie, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. No, Papa. No. Very nice. और आप क्या शेयर करेंगी? मैं पुलाव रेसिपी आपसे शेयर करूँगी. चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले आप उसकी यखनी निकालें. उसके अंदर लहसुन प्याज वगैरह डाल के यखनी निकाल के चावलों को अलग से बॉईल करें. उसके बीच में उसकी यखनी डाल दें. जब यखनी डालेंगे तो वो उसका पानी जब खुश्क हो जाएगा उसको दम पे लगा दें. उससे आपका चिकन पुलाव तैयार हो जाएगा. वेरी नाइस. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए. ये वेलकम जी. बहुत प्यारी फैमिली थी और मुझे तो लगा वो जो छोटा वाला है वो जो है वो, अरे इतना बड़ा लॉलीपॉप इसके अंदर पता नहीं कितना, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा लॉलीपॉप होगा. खैर वो बच्चा जो छोटा वाला है वो जो है वो मुझे बच्चा लग रहा था जबकि वो बच्ची निकली. अभी तो वो उस क्योंकि वो भाइयों के साथ ही रहती है, उन्हीं के साथ खेलती है, तो उसकी नेचर भी जो है वो वैसे ही डेवलप हो गई है. लेकिन अभी उसको इस चीज़ का एडवांटेज सब तब तक है, भाइयों को इसका कोई एडवांटेज नहीं, क्योंकि जब वो मारेगी तो ठीक है, जब उन्होंने मारना तो छोटी बहन तो इस तरह फिर वो जो है बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं. इसी और से बात करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है? मोहम्मद अमजद. मोहम्मद हारून. क्या करते हैं? मैं हम कंपनी है, डायरेक्टर हूँ. और आप? मेरी भी फर्म है. चले मुझे बताएं दुनिया का सबसे छोटा शहर कौन सा है, उसको मुल्क का दर्जा भी दे, मतलब दे दिया था, अब नहीं तभी दे दिया था. कुवैत. वो छोटा शहर है और वो एक मुल्क भी है, उसको मुल्क बना दिया था. आई थिंक हांगकांग. क्या सुनाएंगे? मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ. आजकल की नौजवान नस्ल जो है बड़ी परेशान रहती है और ख़ासतौर पर रिज़्क के बारे में बड़ी परेशान है. तो मैं थोड़ी सी अपना एक्सपीरियंस ज़िंदगी का शेयर करना चाहता हूँ कि हम इतनी सी एज में अभी एक कंपनी रन कर रहे हैं, तो आजकल की यंग जनरेशन जो यंग ग्रेजुएट हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमें रिज़्क नहीं मिल रहा. लेकिन ये आप याद रखें कि रिज़्क जो है अल्लाह ताला की देन है, और अगर कोई बच्चा परेशान है तो वो कुरान पाक की 12वें सिपारे की पहली आयत पढ़ ले तो उसके ज़िंदगी को सुकून मिल जाएगा कि अल्लाह ताला ने ऐसी बात कही हुई है कि रिज़्क के बारे में इंसान कभी परेशान नहीं हो. कि मेरा आज का यही कहने का मकसद था. इंशाल्लाह ये है कि इससे बहुत लोगों को फ़र्क पड़ेगा अगर आप ये बात मेरी जहन में रख लेंगे. अल्लाह ताला का वादा सच्चा होता है. इंशाल्लाह ये कुरान पाक में जो अल्लाह ताला कह रहा है वो ज़रूर सच्चा है. जी मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी से रिलेटेड है कि मोटिवेशनल बात एक है कि एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि तंदिये बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. तो हमें जो है ना हर्डल्स भी आती हैं ज़िंदगी में, उसका ये मतलब नहीं है कि हम हराम खाना शुरू कर दें या ब्राइब करना शुरू कर दें प्रोजेक्ट्स लेने के लिए या कोई और इवन रोज़मर्रा ज़िंदगी में. हमें तो अल्लाह के अहकाम को फॉलो करके जो है ना उसके मुताबिक ही जो है अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए. अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, हदीस कुदसी का मफहूम है कि ऐ मेरे बंदे एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, होता वही है जो मेरी चाहत है, लेकिन अगर तूने सुपुर्द कर दिया इसको कि जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे वो दे दूँगा जो तेरी चाहत है, लेकिन अगर तू इसके मुखालफत में उतर आया तो फिर मैं तुझसे वो भी ले लूँगा जो तेरी चाहत है, फिर भी होगा वही जो मेरी चाहत है. इसलिए हमें बग़ैर हसद किए और बग़ैर तकबर किए अल्लाह से माफ़ी मांग के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और अल्लाह हमें हर मोड़ पे कामयाबी अता करेगा इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. जज़ाकअल्लाह. बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की आप लोगों ने लाहौर न्यूज़ की तरफ से. आप जी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात इन्होंने की. नो डाउट रिज़्क बिन जाने बिन अल्लाह, रिज़्क जो है वो अल्लाह ने ही देना है इंसान को. तो आप लोग परेशान ना हों, देर ज़रूर होती है मगर अंधेर कभी भी नहीं होता. तो रब से मांगे वो आपको यकीनन देगा. अल्लाह पाक तो इतना रहीम है. वो कहते हैं ना जो भी दुआ अल्लाह से मांगी जाती है वो कभी रद्द नहीं होती.
اللہ جو ایسے انہوں نے بات کی، اللہ آپ کو اگر وہ نہیں دے رہا جو آپ کے لیے جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو یقیناً اللہ آپ کو وہ دے دے گا جو آپ کے لیے اچھا ہے، بھروسہ رکھیں اپنے رب پر۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے لینی پڑے گی آپ سے اجازت۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت بہت مزہ آیا، اور جی آپ کے جو دو سوال ہیں، وہ کون سا پرندہ ہے جو گھوڑے سے بھی زیادہ تیز بھاگتا ہے؟ تو وہ ہے آسٹرچ شتر مرغ۔ اور دوسرا سوال جو میرا ہے آپ سے، جو میں نے کیا تھا، کون سا سوال کیا تھا، ہاں وہ کون سا پرندہ ہے جو پیچھے دیکھ سکتا ہے بغیر گردن موڑے؟ تو وہ ہے پیرٹ۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، فیوریٹ پروگرام بوجھو تو جیتو تھرسڈے ٹو سنڈے شام کو 7 بجے دیکھیں۔ اپنی ہوسٹ علینا ہارون کو اجازت دیں، خدا حافظ۔